Hey, welcome to my. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब और बर्दाश्त नहीं होता ये भोपू। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। इसका इतना सारा कैंसर कम था क्या जो इसे भी इंक्लूड कर लिया? बहारो मेरा महबूब आया है। ये है असली टैलेंट, इसको वायरल करना चाहिए। बट लोग इसको थोड़ी वायरल करेंगे, क्योंकि फेमस होने के लिए मीम मटेरियल चाहिए, टैलेंट थोड़ी। ये लो, इसको लोगों ने इतना सर पर चढ़ा दिया है कि फ्यूचर में यही टोनी कक्कर का गद्दी संभालने वाला है। बहुत लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि ये वीडियो 2019 का है, और मुझे तो ये पता नहीं चल रहा है कि इंडियन आइडल की टीम आजकल कौन से सस्ते नशे कर रही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए इस बच्चे को गेस्ट अपीयरेंस दे दिया। मुझे तो बहुत दुख हुआ उन टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग सिंगर कॉन्टेस्टेंट्स के लिए, क्योंकि बेचारे जिंदगी भर का मेहनत करके उस स्टेज तक पहुंचे हैं, और ये बस बाय लक वायरल होकर उस स्टेज पे गेस्ट अपीयरेंस दे रहा है। हर चीज का मजाक बना रही है। पहले इस काम को आप सीरियस बनाएं, इनकी बदतमीजियां बंद करें। टिकटॉक एक ऐसी असहनीय वायरस थी जो कि इस दुनिया से कभी खत्म नहीं हो सकती। जब इसका वैक्सीन इंडिया ने बनाया तो इसके 500 नए वेरिएंट पैदा हो गए, जिसमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी शामिल है। हाँ जी, यूट्यूब, जिसके लिए कल तक तुम लोग वॉर कर रहे थे, आज वही यूट्यूब तुम्हें सामने से टिकटॉक परोस रहा है। टिकटॉक के लिए तो कम से कम 0.2% का टैलेंट भी चाहिए था लिपसिंग और कमर भटकाने के लिए, लेकिन रील्स के लिए तो उतना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम रील में तो सिर्फ डुएट, नल्लापन और कॉपी पेस्ट ही चलता है। जैसे कि अगर आपको बैठना आता हो तो बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं। अगर आपको गंदी रोना रोना आ रहा हो तो किसी को खो दिया मुस्कुरा कर, किसी के लिए रोए बहुत है हम। अरे बहन, जब तुम्हें ब्रेकअप के बाद रोना आ रहा है तो तुमने रील्स पे आके रील्स वासियों को रुलाने का ठेका क्यों लिया? और अगर आप अपने स्कूल टाइम में मुंह ऐटना सीख चुके हो तो भाई लॉकडाउन खुला। वो जमाना भूल जाओ जिसमें लिपसिंग और कमर भटकाना होता था, अब होती है डुएट, जिसमें सिर्फ सड़ा सा मुंह बनाना रहता है बस। My snake just took off when it saw this. Man, it's the attack bunny. Flemish giant. ये देखो, एक संदीप महेश्वरी है और एक तरफ ये खुशी महेश्वरी रैबिट को थप्पड़ क्यों दिखा रही है? बेटा मैं फोन करूं क्या? वाह, क्या जिंदगी है।
उठते उठते वीडियो भी बन गई और मिलियन व्यूज भी आ गए। टैलेंट तो उसके पास है, तुम्हारा रोल क्या है यहाँ? सिर्फ मुंह बनाना। तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी, तुझसे ही शादी रचाऊंगी, वरना गवाही मर जाऊंगी। ये अभी तुमने क्या किया? ये लिप सिंक थी? एक तो तुम्हें वीडियो बनाने में 1% का भी एफर्ट नहीं लग रहा, उसमें भी इतनी ज्यादा घटिया ओवर एक्टिंग। अरे दानिश भाई, चेहरे पे क्या लग रहा है? क्यूटनेस है यार। अरे नहीं, सुअरपन है यार ये तो। सही से देखो, सुअरपन लटक रहा है आपके चेहरे। उस लड़के का तो पता नहीं, लेकिन इसके फेस पे जरूर सुअरपन लटक रहा है। ये कौन सा एक्सप्रेशन है? हमें बिल्कुल पसंद नहीं है क्या बेचार के कपड़े पहने। तुम कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं? कौन हो तुम? मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूंगी मैं वही करूंगी और वही पहनूंगी, समझे? ये कौन सा गोबर जैसा मुंह बना रही है? पानी तरफ से तू गोखा। ये लड़की तो अलग ही रहता फैला रखी है। दूसरे कॉन्टेंट पे सिर्फ कतई जहर का ठप्पा लगा देती है, और जिसके वीडियो पे ये ड्यूएट करती है वो सच में जहर खा लेता है कि किस पगलैठ ने मेरे साथ ड्यूएट कर लिया। टीवी पे फेयर एंड लवली और इंस्टा पे ये फिल्टर रेसिज्म को जोर शोर से बढ़ावा दे रही है। अरे लो 10 रुपए तुम मुझसे ले लो, लेकिन पहले जाकर लिपसिंग की थोड़ी ट्यूशन ले लो। माँ कसम झूठ नहीं बोल रहे, इस गांव में सबसे हैंडसम और खूबसूरत मैं ही हूँ, इसलिए गांव के लोग ना सब हमसे जलते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज मुझे कहीं ले जाओ मुंबई यार, यहाँ मेरा टैलेंट को पहचानने वाला कोई। ये परफेक्ट डुएट के साथ साथ परफेक्ट जोड़ी भी है। क्यों आंखें फट गई ना रील्स के वासियों, मेरी सुंदरता को देखकर कैसा लग रहा हूँ? आज शेविंग करवाया है, चलो तारीफ करो। तेरी सुंदरता देख के तो आंखें चौंधी आ गई। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। एक काम कर, इंस्टाग्राम से जल्दी से उड़न छू हो जा। निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। हाय फ्रेंडो, पहले तो मैं आप लोग से नाराज नहीं हूँ, आप मुझे पगली बुलाते हो, कोई मेरे अंदर टैलेंट नहीं है तो मुझे बुरा नहीं लगता है। मुझे बट अच्छा लगता है कि मेरे बारे में कम से कम इसी बहाने बातें तो चल रही है तो खुशी मिलती, करते रहो। इसको बीच में मेरे ये दौरे पड़ते रहते हैं क्या, जो ऐसे भेड़ों की आवाज निकालने लगती है? ये दोनों तो अलग ही किस्म के प्राणी है, इन पे तो एक वीडियो अलग से आएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। We'll be right back.